स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में पढ़ेंगे साइंस। अपनी बुक ओपन कीजिए। यस, हम पढ़ रहे थे साइंस में लेसन 10 मेजरमेंट। लास्ट 2 वीक्स हम इस लेसन पे रीड कर रहे थे। हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था, टॉल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, स्मॉल लार्ज, लाइट एंड हैवी पढ़ा था ना। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई, लेंथ जो होती है हम उसको कैसे मेज़र करते हैं। अर्ली ह्यूमंस कैसे मेज़र करते थे, हैंड स्पान से, कुबिट से, स्ट्राइड से और फुट स्पान से। लेकिन ये जो मेज़रमेंट है ये सबका एक सा नहीं होता। किसी के हैंड स्पान बड़े होते हैं, किसी के फुट स्पान छोटे होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो उसके बाद लास्ट क्या हुआ, सो वी नीड टू हैव फिक्स्ड यूनिट फॉर मेजरिंग थिंग्स। तो उसके बाद फिक्स्ड मेजरिंग थिंग मतलब फिक्स्ड नाप लेने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी थिंग्स की। जो फिक्स नाप लेते हैं तो वो किससे लेते हैं, क्वांटिटी किस हिसाब से, मीटर्स से और सेंटीमीटर्स से। टेप आता है, इंची टेप देखा है ना आपने, नापते हैं जिससे, या बड़ा सा स्केल आता है उसमें मीटर्स और सेंटीमीटर्स बने हुए, उससे फिर लेंथ नापनी शुरू करी। मेजरमेंट ऑफ लेंथ का क्या है, मीटर्स एंड सेंटीमीटर। इस तरह से मेजरमेंट ऑफ मास यानी वज़न की चीज़ें, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए आपके, उनको कैसे तोलते हैं, किलोग्राम्स में एंड ग्राम्स में। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, लिक्विड की कैपेसिटी, उसको किस में मेज़र करते हैं, लीटर्स में एंड मिलीलीटर्स में। किस में मेज़रमेंट करते हैं, लीटर्स में एंड मिलीलीटर्स में। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, क्लॉक से। क्लॉक में ये देखो 3 हैंड्स होते हैं जिसमें मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड होता है। और हम मेज़रमेंट टाइम को कैसे करते हैं, मिनट से, आवर से, डे से, वीक से, मंथ से और ईयर से, है ना। जब ज़्यादा बहुत साल हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इतने ईयर्स हो चुके हैं इस काम को, तो मेज़र करते हैं हम, है ना। उसके बाद आपने ये अपनी बुक में किया, चिंटू वेकअप एट 6 o'clock, ही गोज़ टू प्ले 4 o'clock, चिंटू गोज़ टू स्लीप 8 o'clock। तो हम ये सब टाइम जो है किससे मेज़र करते हैं, क्लॉक के मिनट से। उसके बाद हमने ये फ्लिंदी ब्लैंक्स किए थे, आपने बुक में कर लिया, नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स किए थे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन किए थे और उसके बाद हमने मैच द फॉलोइंग्स किए थे। आज हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फॉलोइंग्स। नेम लिखो इंस्ट्रूमेंट्स के जो कि इनको मेजर करने में काम आते हैं। यस, वेट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स का वेट हम किससे करेंगे, बीम बैलेंस, वो तराजू होता है ना उसको बोलते हैं बीम बैलेंस। टाइम का कैसे, किससे मेजर करते हैं हम टाइम को, क्लॉक से। किससे मेजर करते हैं, क्लॉक से। अ पीस ऑफ क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े के क्लॉथ्स को कैसे नाप, किससे कैसे नापेंगे, रूलर से। द हाइट ऑफ ए वॉल, जो हाइट होती है वॉल की, बड़ी दीवार होती है उसकी हाइट को कैसे नापेंगे, टेप से। द अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ जार, मिल्क जो जार के बीच में पड़ा है उसको कैसे नापेंगे हम, सिलेंडर से। किससे नापते हैं, सिलेंडर से। सेकेंड क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी, अब हम इसमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं आपको। वेट ऑन ए बीम बैलेंस, बीम बैलेंस जो तराजू होता है उस पर हम जो वेट करते हैं वो किससे करते हैं, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स से। मेजरिंग यूज्ड अ रूलर, मेजर रूलर से मेजर क्या करते हैं, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग टेप, मीटर्स एंड किलोमीटर्स।
आई समझ में आपको बीम बैलेंस पे जो वेट करते हैं जो हम किसी थिंग्स का वेजिटेबल फ्रूट्स का वो किससे करते हैं किलोग्राम एंड ग्राम से। उसके बाद हम रूलर से क्या मेज़र करते हैं कपड़ा मेज़र करते हैं ना लेंथ मीटर एंड सेंटीमीटर। उसके बाद हम सिलेंडर जो लिक्विड होता है उसको कैसे मेज़र करते हैं लीटर एंड मिलीलीटर से। और टेप क्या होता है वो बड़ा होता है स्केल तो उससे हम मीटर और किलोमीटर्स नापते हैं। ओके अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द साइज और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मेजरमेंट क्या है वो प्रोसेस है जिससे हमें पता लगता है कि क्वांटिटी का साइज कितना है मतलब चीज़ों का और उसकी क्वांटिटी कितनी है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका विच यूनिट ऑफ लेंथ गिव डिफरेंट्स मेजरमेंट फॉर डिफरेंट्स पीपल वाई दे यूज मेजर्स सच एज हैंड स्पांस कुबिट्स फुट स्पांस एंड स्ट्राइड्स। आवर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो गिव डिफरेंट मेजरमेंट वेन मेजर्ड बाय डिफरेंट पीपल। तो उन्होंने पूछा कि अर्ली ह्यूमन जो है वो कैसे मेजरमेंट करते हैं तो आपको मैंने बताया था ना हैंड स्पान फुट स्पान से लेकिन वो मेजरमेंट एक सा नहीं होता डिफरेंट पीपल का डिफरेंट साइज आता है। थर्ड क्वेश्चन व्हाई डू वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर थिंग्स। वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स क्यों मेजर करते हैं टू मेजर थिंग्स बिकॉज डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए यूज़ करते हैं कि सबके मेजरमेंट अलग अलग होते हैं तो अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करेंगे तो उसमें सबकी मेजरमेंट जो भी हम नाप तोल कर रहे हैं वो एक सी आएगी। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज कैपेसिटी। व्हाट आर द यूनिट यूज टू मेजर कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है द अमाउंट ऑफ ए लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट कैपेसिटी। जो लिक्विड होता है उसको जिस कंटेनर में हम होल्ड करते हैं उसे बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी इज मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। लिक्विड की जो कैपेसिटी होती है उसको कैसे नापते हैं लीटर्स में एंड मिलीलीटर्स में। राइट थ्री यूनिट्स टू मेजर टाइम। थ्री यूनिट्स बताएं टाइम को मेजर करने के लिए। मैंने आपको बहुत सारे बताए जैसे आवर्स सेकेंड्स डेज वीक्स ईयर्स उसमें से आपको थ्री लिखने हैं। द थ्री यूनिट्स टू मेजर टाइम इज आवर डे एंड मिनट। हमने ये थ्री लिख दी है कि हम जो हैं थ्री यूनिट्स कौन से यूज़ करते हैं टाइम के लिए आवर्स का घंटों का डेज का एंड मिनट्स का। ओके स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको भी करवाए हैं और ये जो आपको ये वन वर्ड और टू वर्ड कराएंगे ये आप अपनी बुक में करेंगे और जो ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर करते हैं करने हैं। ओके थैंक यू बाय स्टूडेंट्स।